स्वतंत्रता दिवस है तो उसे उसी के ऊपर मैं दो बातें या दो कुछ छोटे छोटे शब्द हैं वो बोलना चाहूँगा कि जय हिंद और जय भगवा। अगर आपको भगवा याद रहता है तो आपको आज़ादी याद रहती है, क्योंकि भगवा बलिदान का प्रतीक है। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी स्वतंत्रता के ऊपर, कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो इतिहास गलत है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो उस इतिहास की किताब को ठीक करने की कोशिश की है मैंने, कि मैं इतिहास की वो किताब हूँ, मैं इतिहास की वो किताब हूँ जहाँ झूठ को यूं लिखा गया, कुछ नाम मिटाए गए जहाँ, और कुछ बुजदिलों को महान लिखा गया। सच के जो पन्ने फाड़े गए, सच के जो पन्ने फाड़े गए, पन्ने मिटा के दफना गए, पर वो भूल गए कि ये मिट्टी है, कि वो भूल गए ये मिट्टी है, मेरी माँ है, गोद में रखती है। चंद पन्नों में एक पन्ना था जिसे इस माँ ने सहेज के रखा था, उस पन्ने का नाम था महाराणा, उस पन्ने का नाम था महाराणा, जिसने खून से मिट्टी को सींचा था। हम महाराणा का नाम तो भूल गए, मुगलों के जुल्म को भूल गए, 80 घाव थे छाती पे, महाराणा प्रताप लड़ाई में घायल हुए थे, तो एक बाजू नहीं थी और उनकी एक आंख नहीं थी और उनके छाती पे 80 घाव थे। तो हम महाराणा का नाम भूल गए और मुगलों के जुल्म को भूल गए, अरे 80 घाव थे छाती पे और राणा के बलिदान को भूल गए। तो उनकी व्याख्या करूंगा कि महाराणा प्रताप कैसे थे, कि उनका शरीर था मानो पहाड़, उनका शरीर था मानो पहाड़, उनकी आवाज मानो दहाड़, सीने में शेर सा जिगरा था, वो अकेला लाखों पे भारी था, उनका भाला मानो त्रिशूल, महादेव के नारे से कर्ण फूल, वो अकेला भैरव सा टूट पड़ा, कहीं सिर गिरा तो कहीं धड़ पड़ा। तो दूसरा पन्ना उस वीर का था, एक और पन्ना मिला इतिहास में दबा हुआ, कि दूसरा पन्ना उस वीर का था, महाराजा महान शिवाजी का, जो महाभारत सुन के बड़ा हुआ, जिसे खौफ ना था कभी मरने का, वो बाहुबल के प्रयोग समेत ऐसी बुद्धि चलाता था कि पैर कांपते दुश्मन के और हाथ कभी ना आता था। वो जय भगवा जय भगवा नारा, वो जय भगवा नारा यूं गूंज उठा और नरसिम्हा बन शिवाजी ने अफजल का सीना चीर दिया। आपको याद होगा कि अफजल का सीना भगवान मतलब महाराजा शिवाजी थे, उन्होंने हाथों के साथ दो टुकड़े कर दिए थे उनके सीने के। कि तीसरा पन्ना जब मिला मुझे, एक पन्ना और मिला, कि तीसरा पन्ना जब मिला मुझे, मेरे कानों में आवाज पड़ी, सुनाई दिया इनकलाब का किस्सा और हंसती तस्वीर दिखाई पड़ी। वहां तस्वीर थी उस वीर की जिसे हम शहीद आजम कहते हैं, प्यार से कहते हैं भगत जिसे, और सिंह के समान तोलते हैं। छोटी उम्र था यूं नौजवान, उसकी व्याख्या है कि छोटी सी उम्र थी था यूं नौजवान, आजाद होना है उसने ली थी ठान, अरे झूल गया फांसी के फंदे और लिख गया इनकलाब अपनी जुबान। फिर मैंने इन पन्नों को जोड़ के फिर इन पन्नों को यूं जोड़ मैंने एक नई किताब बनाई है, जहां लिखी है सच्चाई सिर्फ और ना झूठ मैंने बताई है। मैं नमन करता हूं बिस्मिल को, मैं नमन करता हूं बिस्मिल को और राजगुरु सुखदेव को, एक झांसी वाली रानी थी और सुशेखर आजाद को, मंगल पांडे तांत्या टोपे नेताजी जैसे वीरों को, मंगल पांडे तांत्या टोपे नेताजी जैसे वीरों को, बलिदान दे गए देश की खातिर ना बेचा कभी जमीर को। और कई और पन्ने दफनाए थे, कई और पन्ने दफनाए थे, अब उन्हें उजागर करना है। आप इतिहास को खोदेंगे अगर तो कई पन्ने दबे मिलेंगे जो सही में क्रांतिकारी थे, कि कई और पन्ने दफनाए थे अब उन्हें उजागर करना है, भगवा जिसके दिल में बसता था अब उन्हें महान लिखना है, और मेरी आज़ादी है अधूरी बिना उन वीरों का यूं नाम लिए, और मैं नमन करता हूँ वीरों को जिन देश के लिए प्राण दिए।